आज हम बनाने जा रहे हैं टमाटर की चटनी, जो बिना मिक्सर ग्राइंडर से बनेगी, जिसे हम किसी के साथ भी खा सकते हैं, जैसे आलू का पराठा, गोभी का पराठा या दाल चावल, सिंपल दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं। जिसे बनाने के लिए हमें चाहिए अदरक, लहसुन, मिर्चा, अगर आपको ज़्यादा मिर्चा पसंद हो तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, पुदीना के पत्ते, धनिया के पत्ते, 3 टमाटर। पुदीना का पत्ता ऑप्शन में है, आप चाहे तो डाल सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं। अब इसको हम एक कटर में डालेंगे। इसका लिंक मैं आपको मिस डाल दूँगी, जो मैंने मिसो से लिया है। इसे हम सेट कर लेते हैं पहले। अब इसमें हम अदरक और लहसुन डालेंगे, लहसुन की कलियाँ। फिर इसमें हम पुदीना डालेंगे, मिर्चा डालेंगे और पुदीना को भी काट लेंगे और टमाटर को भी छोटे छोटे में काट लेंगे। ज़्यादा बड़ा बड़ा काटेंगे तो ये जल्दी से मतलब पिसेगा नहीं, ये नहीं काट पाएगा। इसे हम टुकड़ों में काट लेंगे, छोटे छोटे पीसों में, और इसके ऊपर धनिया डाल देंगे। इसको 2-3 बार काटा है, ज़्यादा नहीं बारीक काटना है, बस इतना कि ये ग्राइंड कर लें। उसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे हम, मैंने अपने स्वाद के अनुसार नमक डाला है। अब इसे हम ढक लेंगे अच्छे से बंद करके, इसे पीसेंगे, इसे ग्राइंड कर लेंगे। अब हमारा चटनी तैयार हो गया बनके, आप देख सकते हैं। देखिए कितना अच्छा चटनी, एकदम तीखा तीखा चटनी, जिसे आप किसी के साथ भी खा सकते हैं, पकौड़े या आलू का पराठा, गोभी का पराठा, किसी के साथ, सत्तू के पराठे के साथ भी ये बहुत अच्छा लगता है, मुझे ये बहुत पसंद है। उम्मीद करती हूँ आप लोग को भी बहुत पसंद आएगा। देखिए बनकर तैयार है हमारा चटनी, बनाइए और बताइए हमें ये चटनी कैसा बना है।